इतनी बड़ी बात थी, ये सारी चीज़ें विवेचना में क्लियर हो जाए। ये जो व्यक्ति है इसको रायपुर से जो कोतवाली टीम है उसके द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है एसी लाल झाम, जो कि पहले यहीं पर रहता था गंज क्षेत्र में। दिलबहार चौक पर इसके पिता की दुकान थी कपड़ों की, जिसे कुछ साल पहले जो है खाली करवा दिया गया था, और इसी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए इसने उनसे बदला लेने के लिए एक पत्रिका में फिर इसे प्राप्त हुई जानकारी, जितने भी नंबरों पर उसने धमकी दी है उनके नंबर मिले, विधायक जी के साथ जो भी अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं उनके नंबर इसको मिले, तो फिर इसने उनको धमकी दी जान से मारने की। और थोड़ा ये मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है और काफ़ी उम्रदराज भी व्यक्ति है, तो इसका जो धमकी देने का कारण वो यही समझ में आया है कि इसने इसके पिता की जो दुकान खाली करवाई गई थी और इसका जो मजाक उड़ाया गया था उसके संबंध में बदला लेने के लिए इसने संभव किया। उसमें जो है उसने विधायक जी के साथ साथ और भी लोगों को धमकी दी है, उसको जितने भी लोगों के नंबर प्राप्त हुए थे उसमें विनय डागा करके जो है जिनने दुकान खाली करवाई थी उसमें विनय डागा ने करवाई थी, चूँकि वो विनोद डागा जो है उनके पिताजी हैं विधायक जी के, इसलिए जो नंबर ट्रेस किया था उसकी लोकेशन के आधार पर जो टीम गठित की गई थी, दो टीमें अलग अलग बनाई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, तो उसमें पहले इसकी लोकेशन नागपुर, नागदा, उज्जैन और फिर जबलपुर भी आई, क्योंकि पता चला कि इसकी लोकेशन अधिकतर गुरुद्वारों की आ रही है, उसी आधार पर टीम को फिर रायपुर रवाना किया गया, जिसमें कल सफलता मिली है। रायपुर में जो गंज थाना क्षेत्र है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया गुरुद्वारे से। इस पर 507 की FIR की गई है, IPC 507 की रही। ये इसने चूंकि इसका सरदार का भेष धारण कर लिया था, तो ये गुरुद्वारों में अक्सर वहाँ पर खाना भी मिल जाता है, तो ये ऐसे ही रहता था भेष बदल कर, सरदार का भेष लेकर। ये जो व्यक्ति है इसको रायपुर से जो कोतवाली टीम है उसके द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम